काशी की तर्ज पर जिले के राजघाट स्थित गुरु गोरक्षनाथ घाट पर मंगलवार को भी भव्य गंगा राप्ती महा आरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, साहित्यकार फूलदेव गुप्ता, स्थानीय पार्षद संजय श्रीवास्तव सहित अन्य नागरिक मौजूद रहे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर राजघाट स्थित नवनिर्मित गोरक्षनाथ घाट पर प्रत्येक मंगलवार को राप्ती आरती का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि विधिवत पूजन पाठ कराने के बाद गंगा राप्ती मैया की आरती किया गया। आरती देखने के लिए घाट पर पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा था। सभी ने भक्ति भाव से राप्ती आरती किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आरती में शामिल श्रद्धालुओं और आयोजक पार्षद संजय श्रीवास्तव व नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, पांडे जी गंगा आरती राप्ती आरती भी हमारे और नारी शक्ति जिंदाबाद। राप्ती की जो आपने कामयाबी मिलेगी इन डॉक्टर फूलचंद गुप्त की तरफ जान होती है भाई संजय, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। हमें लगता है जन जन ही नहीं पूरे परिक्षेत्र में पहुंच रही है। पूर रह के लोग राप्ती आरती में शामिल हुई है, कैसा लग रहा है? मेरा नाम अच्छा सिंह है, मेरी पत्नी चंचल जी मैं बोल रही हूँ। और ये आरती का इससे पहले मैंने बनारस में देखा है और वो सारी चीजें यहाँ पे हमारे गोरखपुर शहर में हो रही है। हम लोग योगी जी को जो हमारे मुख्यमंत्री है उनका दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो सारा अवसर हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। वैभव अग्रहरी सबको देखने को मिल रहा है और न केवल मैं और प्रत्येक गोरखपुरवासी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा होगा कि इतना सुंदर घाट महंत योगी आदित्यनाथ जी जो इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपीठाधीश्वर भी हैं उनके द्वारा बनाकर गोरखपुरवासियों को समर्पित किया गया है और इस माध्यम से हम सबको गंगा मैया की एक सुंदर आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हम सब गोरखपुरवासी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। शिवम बटवा बड़े ही सौभाग्य की बात है, पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से यह घाट फिर से जीर्णोद्धार हुआ है और दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। अगले इसके पहले वाले आरती में 500 से 700 लोग थे, इस बार 1000 से 1200 लोग हैं। दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है, हम लोग इसको और अच्छे और विशेष तरीके से आरती कराने का कार्यक्रम रखेंगे और
महिलाएं भी अपने घर से दीप लेकर आती हैं और यहाँ की जनता भी पूरा सहयोग कर रही है। साफ सफाई का भी ध्यान दिया जाता है। आरती के अगले दिन प्रातःकाल यहाँ पे जो भी चढ़ा हुआ रहता है उसको हम लोग गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं। जो मिट्टी में डालना होता है मिट्टी में डाल देते हैं। धन्यवाद जी। मेरा नाम अंजना लाल है, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। गंगा आरती कितना अच्छा, राप्ती आरती हो रहा है, आप सामने कैसा लग रहा है? जी हम लोग को बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे इसको देखने के लिए और काफ़ी दिनों से हम लोग को इंतज़ार था। जैसा कि बनारस में हम लोग जाते हैं जो आरती देखते हैं, हम लोग उसको देखने के लिए इतनी दूर से जाते हैं और वो जो आनंद हम लोग को वहाँ मिलता था, अब हम लोग को बहुत खुशी की बात कि अब गोरखपुर वासियों को हम लोग को ये आरती हमेशा शाम को हर मंगलवार को देखने को मिलेगी और इसके लिए हम लोग योगी जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो इन्होंने गोरखपुर को जो सम्मान और जो इज्जत दी है और जो बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग की इज्जत, उसके लिए उनको दिल से धन्यवाद और उनको दिल से सत सत नमन। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज दूसरी मंगलवार है, प्रत्येक मंगलवार को आरती कराने का हमने ठाना है और हम एक समिति अपने वार्ड के नागरिकों के साथ यहाँ बनाए हुए हैं, गुरु गोरक्षनाथ आरती समिति। उन्हीं समिति के माध्यम से और हम घर घर जाके लोगों को आग्रह करते हैं कि आज मंगलवार है, आज आरती में आपको आना है और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा जनसमूह आप देख रहे हैं, पूरा जनसमूह आरती के लिए उभरा हुआ है। एकदम बनारस की तर्ज पर आरती हम शुरू कर रहे हैं, प्रत्येक मंगलवार को आरती चलेगा। इसी तरह से जनता का सहयोग मिलता रहा तो हम इसको प्रतिदिन की आरती करने के लिए विचार आगे तक करेंगे, लेकिन इस बार आरती बहुत अच्छा रहा। देखिए ये तो बड़ा अच्छा प्रयास है और धर्म तो हमारी प्राण शक्ति है और नदियां तो हमेशा हमारी आत्मा में बसती हैं। इसी दृष्टि से ये घाट बनाया गया है, इस दृष्टि से यहाँ निरंतर आरती का आयोजन हो रहा है और हम आभारी हैं भाई फूलचंद जी के जिन्होंने गीत रचा, सम्मानीय राकेश जी के और प्रतिमा जी के जिन्होंने अपना स्वर दिया और कन्हैया जी के जिन्होंने अपना संगीत दिया। हम लोगों ने उस आरती को सुना है बहुत मधुर कंठ में और बहुत अच्छे संगीत के साथ, पूरी तैयारी के साथ ये आरती आई है और मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र ये लोगों के दिल और हृदय में स्थान बनाएगी और इसकी लोकप्रियता और इसकी लोगों के मन में इसके प्रति विश्वास उतना ही पैदा होगा जितना किसी भी अन्य धार्मिक आरती के लिए होता है। जो बात महत्वपूर्ण है, ये नदी अब धीमे धीमे प्रदूषण की ओर जा रही है और राप्ती अभी आरती समिति को इस कार्यक्रम के बहाने अब इस नदी के संरक्षण की मांग उठानी चाहिए, इसका प्रदूषण दूर हो। जितने भी नदी नाले इस नदी में खुलते हैं, नहर शहर के नाले मल मूत्र विसर्जन, करीब करीब 15-20 नाले ऐसे हैं जो यहाँ खुलते हैं, इन्हें रोका जाए और इस नदी में शुद्ध परिशुद्ध संशोधित जल ही डाला जाए, इसके लिए इनको अभियान छेड़ना चाहिए क्योंकि गंगा को अगर शुद्ध करना है तो राप्ती को शुद्ध करना आवश्यक है।